गाइस ये कुछ टिकट है कुंभलगढ़ फोर्ट एंट्री का, चाइना के बाद इंडिया की। सबके सब ऐसे फूल के कुप्पा हो रहे हैं जैसे अपनी चाय आ गई है सुबह से। तो सबसे पहला गेट जो आ रहा है वो है भैरव पोल परत वाली, ये तो वो है सामने तोपखाना। बिना छत के क्यों है? हो हाँ वही है, ये रास्ता जाता है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। 700 साल से लगातार जल रही है ये जो। तो दो विकेट तो गिर चुके हैं, प्यारा सा पूरा महाराणा सांगा पूजा करते थे इस शिवलिंग की। मंदिर की परिक्रमा भी आपको करवा देते हैं। बफेलो रेस टर्न होते हुए सायरा वाला रास्ता हमने फॉलो किया क्योंकि यार थोड़ा पूल वैसा लग रहा है, गंदा गंदा सा। हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में आप लोग देखते हैं कि कैसे हम अपने होटल रूम को चेकआउट करने के बाद निकल जाते हैं उदयपुर से कुंभलगढ़ के लिए, और हमारे सफर की शुरुआत करते हैं हमें कचौरी खाकर जो कि पालीवाल जी की बहुत ही फेमस कचौरी थी। और रास्ते में हमने अपने खाने पीने की शुरुआत स्टार्टिंग में ही कर दी थी, और ये अपन ने सोडा लिया, देन उसके बाद आम का रस लिया, और बीच में पड़ता है अमर चंदिया तालाब, और यहाँ पे धमाल मूवी की शूटिंग हुई थी वो भी हमने साइड देखी। लेकिन 50 किलोमीटर का जो सफर था भाई बहुत ही खतरनाक था क्योंकि रोड ही नहीं था वहाँ पे ढंग से, हमारे बालों में मिट्टी भर गई। और अच्छी बात ये थी कि हम कुंभलगढ़ पहुंच गए थे, और अब देखिए इस सफर को आगे कैसे आ गए हम कुंभलगढ़ फाइनली। तो दोस्तों ये इसका कुछ टिकट काउंटर है, इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपीज। क्या हुआ यार, नंबर नहीं आया क्या आपका? आ रहा है टिकट। तो ये आ गई टिकट, ये कुछ टिकट है कुंभलगढ़ फोर्ट एंट्री का जिसका 40 रुपीज टिकट है। अभी भी पहले भी 40 था ना, उस दिन लिया था जब अपन ने, तो अभी भी 40 है। और ये देखिए चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा है देश जिसके पास ये खिताब हासिल है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो वॉल है वो सेकंड नंबर पे इंडिया के पास है कुंभलगढ़ के रूप में, जिसकी परिधि है 35 किलोमीटर लंबी है। वो सामने आपको दिखाई दे रहा वो टिकट काउंटर है, और ये है भाई कुंभलगढ़ आवर हेरिटेज ग्लोरी। और ये एंजॉय कर रहे हैं अभी पोहे जो सुबह लिए थे, अब तक बचा रखे इन्होंने। और टाइम देख लो यहाँ पे अपने को 3:55 तो 55 एक घंटा अपन यहाँ लगाएंगे, और 4 बजे अपन यहाँ से रवाना हो जाएंगे वापस से। लेकिन इस बार अपन थोड़ा रूट चेंज करके चलेंगे क्योंकि जो ये कुंभलगढ़ वाला रोड था वो पूरा का पूरा मतलब बनाया जा रहा है दोबारा से। कुंभलगढ़ जो बस स्टैंड से तो सही था जो रोड था, लेकिन जो गांव वाला बीच में रास्ता पड़ता है तकरीबन 40-50 किलोमीटर का, उसमें तकरीबन 2.5 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। नो ब्रदर थैंक यू सो मच, इतनी मेहनत से टिकट खरीद के लेकर आए हम, मैंने फाड़ दी। हाँ ये हुआ पहला मंदिर गणेश मंदिर, पहले चाय लेते हैं जल्दी जल्दी। अरे यार ये बंदर ही उतर के आ गया इनके बीच में, वो डोगी भी आ गया पालतू है। हाँ वही 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 देखो यहाँ पे कितने सारे मंदिर है, सूर्य मंदिर, मामा देव मंदिर, पितलिया शाह मंदिर, पृथ्वी शाह की छतरी, सब यही है। और वहाँ चलना अपने को, चलो भाई चाय लेते हैं सबसे पहले। ये देखो भाई सबके सब ऐसे फूल के कुप्पा हो रहे हैं जैसे पहाड़ों में हो जाते हैं। भाई अपनी चाय आ गई है सुबह से जिसका इंतजार कर रहे थे, नींबू पानी सोडा इससे गुजारा कर रहे थे, अब जाके आइए चाय, अब पियेंगे हम चाय। और भाई मसाला चाय बना दी इसने, ये अपनी आ गई भाई मैगी, मसाला मैगी, अपन ने 3 मैगी करवाई थी। तो मैगी वैगी खाने में हमारा ही मतलब आधा घंटा लग गया है, चाय वाय पीने में। अभी देखो पब्लिक कितनी आ रही है यहाँ पे, रास्ते में तो हमें कोई दिखाई नहीं, और यहाँ पे बंदर वंदर भी है भाई। और वो मंदिर है अभी चलेंगे उधर भी अपन, तो जल्दी चलो फिर अभी यार 3:23 तो हो ही रहा है, अपन यहाँ से आधे घंटे में फ्री होकर आते। अभी इसके बाद हम उदयपुर जाके हमने मतलब प्लान किया था जो कि भाई ने बुकिंग भी करवा दी है, तो हम स्विमिंग पूल का एंजॉय करेंगे ताकि अपनी थकान दूर कर सके। तो देखते हैं टाइम से अगर पहुंच जाते हैं तो भी हम उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और हमें दूसरा चैलेंज ये कि गाड़ी भी हमें सबमिट करवानी है, थोड़ा वो भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि उदयपुर में जो है मोस्टली दुकानें 9 बजे के आसपास बंद हो जाती है सारा मार्केट। और ये है स्टीप चढ़ाई एकदम 30 डिग्री एंगल पर। तो सबसे पहला गेट जो आ रहा है वो है भैरव पोल, पोल का मतलब यहाँ दरवाजे से होता है, और हमेशा ऐसे ही रखा जाता है गेटों को, सीधा नहीं रखते, वाटर इरोजन से हो जाती है ऐसी हालत तो यार है परत दर।
परत वाली है तो ठीक है, बैठते थे तो बराबर होता आराम से उसकी पूजा कर सकते थे। ओके अपन नहीं कर पाएंगे बैठ के, अपन तो खड़े खड़े बराबर आते हैं ना। राणा सांगा की हाइट कितनी थी यार, ये तो सर्च करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ऑनलाइन सर्च करने पे पाया कि यार महाराणा कुंभा की हाइट 9 फुट लंबी थी और जब वो बैठते थे तब उनकी हाइट 5 फुट से भी ज़्यादा होती थी। वो है सामने तोपखाना जिसमें आपको 4 तोपे दिखाई दे रही होगी, बीच में नहीं है। ओ ये देखो, और ये बहुत सेगमेंट में बना, ये जो किला है कुंभलगढ़, पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंदर जो एडिशन होता रहा ये महल जो है बड़ा बनता गया। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, ये देखो गिव अप कर दिए इन्होंने। अरे आ जाओ आ जाओ, बिना छत के क्यों है, है इसकी तो छत वैसे ही नहीं है जैसे वो, नहीं था वो है ना भूतों का महल वैसे कुछ लग रहा है। ये है पागड़ा पुल, हो हाँ वही है कुंड सा। ओ यार टॉयलेट करते हैं लोग यार, हद है, नहाने का है। हाँ मेरे को वही लग रहा था। हाँ यही चौका, ये रास्ता जाता है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, इस वाले सेक्शन के अंदर। वहां तक दिखा दूं क्या, ऊंची ऊंची सीढ़ियां भाई एक एक फिट के। चलो चलो चलो, अरे खुला है खुला है, ओह माय गॉड ये तो खुला है यार। तो ये वही जगह है, तो चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। खूबसूरत अद्भुत, ये देखो महाराणा प्रताप की फोटो भी लगी हुई है। कितनी ज्यादा आग लगी हुई है पूरे पहाड़ों में, तो बड़ा ये यार। और मेरे को स्मेल आ रही थी जलने की, कहीं ना कहीं से कि भाई जल रहा है कुछ, जल रहा है। चले चलो भाई यहाँ से चलो। तो भाई ये है कुछ महाराणा प्रताप की जन्म स्थान, पहली दफा मैंने देखा है। और ये गेट भी चेंज हो गया, पहले ये वाला गेट लगा हुआ था, अब लकड़ी वाला गेट लगा दिया है। ये गाइस हम आ गए हैं पागड़ा पुल, अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था महाराणा प्रताप का जहाँ जन्म हुआ था। और सबके दरवाजे यार अब की बार मेरे को देखने को मिले, सबके चेंज कर दिए दरवाजे, सब नए दरवाजे हैं बिल्कुल। ये मेरे को लगा शस्त्रागार कुछ था ही है ना, हाँ हाँ शस्त्रागार ही हुआ ये देखो, या फिर घोड़े वगैरह बांधते होंगे है ना, वैसे लग रहा है मुझे घोड़े बांधते होंगे ऐसा कुछ। ये है मंदिर गाइस, कुंभा महल ये रहा। कुल देवी, अच्छा अखंड जोत चल रही है अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे अखंड जोत चलते हुए 700 वर्ष से चल रही लगातार। अच्छा कुंभा जो महाराजा थे ना उनकी कुल देवी, यार जाना पड़ेगा अब तो, देखना ही पड़ेगा। मेरे को लगा पहले दफा राजा कुंभा, इसलिए कुंभा महल बोलते हैं इसको। ये देखो भाई 700 साल से लगातार जल रही है ये जोत, जैसे इन्होंने बताया अखंड ज्योत। कुंभा महाराजा इधर ही रहते थे भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार किसी कंजेस्टेड जगह पे कैसे रहते थे वो। खुश हो यार यहीं रहते थे। अच्छा वो था जगह जाने की, माइंड योर हेड, अपना सर संभाल के चले। साफ सफाई तो भाई प्रॉपर कर रखा है ना, जैसे कबूतर वगैरह गंदा कर देते हैं। ओ यार क्या जरोखा है, तो उनको तो भाई मज़ा आता होगा यहाँ बैठने में। देखो कितनी खूबसूरत वादी है, और मानसून के टाइम में तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा यहाँ पे, डोंट यू थिंक। ये देखो पूरा महल का फ्रंट यहाँ से देख सकता है, और ये जो दीवार है ना जो दिख रही है आपको, ये 35 किलोमीटर लंबी है। हर पहाड़ी पे दीवार ही बनी है इसकी, छोटी 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 छोटी। वो भी एक मंदिर है, वो दिख रहा होगा आपको, वो भी एक मंदिर है। और यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर है। वो पहाड़ कसम से। तो दो विकेट तो गिर चुके हैं, बाकी पंकज अभी उलझ चुके हैं रास्ते में बातचीत करने के दौरान, अभी कॉल चल रहा है उसका तो वो भी नहीं चटक गया। कुंभा महल में जहाँ पे महाराणा कुंभा निवास करते थे वो वहीं पे बैठा अभी, और वहाँ पे जल रही है अखंड ज्योति जो कि 700 सालों से निरंतर जल रही है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि निरंतर कैसे जल सकती है, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे निरंतर जलती रहती है। जोत को जोत में बांट लेते हैं जब उसकी बाती चेंज करनी होती है। लो भाई पंकज तो आ गया ऊपर, बाकी प्रतीक और नितेश तो नीचे रह गए। ऊपर है? है? कैसे पहुंच गए तुम? वाह अति सुंदर, ये तुलसी है क्या?
लग तो नहीं रहा। जिनको मैं सोच रहा था कि हम नीचे छोड़ा है सबसे पहले ऊपर पहुंच गए। ओ भाई पहाड़ों में क्या आग लग रही है, बहुत ही खतरनाक है। अपने बच्चों को लेकर आए तो बहुत संभाल के लेकर आए क्योंकि गिरने का बहुत ज्यादा चांस है। इधर से ये उसी जगह आ गए जहाँ पर अपन ढाई साल पहले आए थे। और ये देखो पहाड़ों में क्या खतरनाक वाली आग लगी है। रोड जहाँ से अपन को ये पूरा दिखने लग गया था किला, ये देखो परत दर परत बनी हुई है पूरी। डोगी डोगी कैसा हो रहा है यार, ये बंदर का बच्चा कितना प्यारा था। ये बंदर के हाथ में कुछ हो रखा है। गाइस ये है महादेव मंदिर। महाराणा सांगा पूजा करते थे इस शिवलिंग की। तो अपन अंदर जाके देख सकते हैं। वाह यार अच्छा, जब बैठते थे तो बराबर हो जाते थे ऐसे। मंदिर की परिक्रमा भी आपको करवा देते हैं। हेलो रस्सी बंधी हुई है भाई। ये लाइट एंड साउंड शो का पूरा जो है मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पे स्पीकर्स रखे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े। देखो ये रहा साउंड शो का सिस्टम पूरा यहाँ लगा हुआ है। तो स्पीकर्स हैं देखो कितने बड़े बड़े बाहर रखे हैं ओपन में यार। तो बता रहे हैं कि पूरे पहाड़ी के ऊपर इसको मतलब लाइट शो होता है पूरा। देखो बफेलो बफेलो रेस, बफेलो रेस हो रही है। ए कितने मासूम से हैं यार। तो दोस्तों पूरा 1.5 घंटा कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर स्पेंड करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस से उदयपुर के लिए। लेकिन इस बार हम सेम रूट को फॉलो ना करते हुए सायरा गांव का रास्ता फॉलो करते हैं जो कि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा था 85 किलोमीटर में। तो हमें टोटल चलना था 110 किलोमीटर। तो इस बार रोड की जो कंडीशन थी बहुत ही प्यारी थी। अगर आप लोग उदयपुर से कुंभलगढ़ के लिए अभी आने का सोच रहे हो तो आप इस रास्ते को प्रीफर कर सकते हो क्योंकि जो नया रास्ता बन रहा है उसको बनने में अभी 2 से 3 महीने थे, ज्यादा का समय लगने वाला है क्योंकि 50 किलोमीटर रोड जो है बिल्कुल ही है। बाकी आप लोग इस सायरा वाले रास्ते को फॉलो कर सकते हैं और रोड की कंडीशन आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने साफ सुथरे और सुंदर रोड हैं और बिल्कुल खाली मिलेंगे आपको और गांव का पूरा टच मिलने वाला आपको इसमें। तो अभी हम रिटर्न होते हुए सायरा वाला रास्ता हमने फॉलो किया और अब यहां से जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना कुंभलगढ़ से उदयपुर था। तो और रोड बिल्कुल साफ सुथरे थे आपने देखा। तो गाइस अपन अभी उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर है और देखो इनकी गाड़ी का जो पेट्रोल है पेट्रोल पंप के बाहर ही खत्म हुआ है। गाड़ी बंद हो गई इसलिए हुई है क्योंकि पेट्रोल नहीं है जाके। हमने डलवाया था तकरीबन 450 का तेल डलवाया था इस वाली गाड़ी में जो भी खत्म हो गया यहाँ पे और बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने। बट कोई बात नहीं, मजे की बात यह है कि इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा सामने वाले इंडियन ऑयल वाले पेट्रोल पंप में। गन्ने का रस, चाय की जगह लेता हुआ चाय भी पिएगी। गन्ने का जूस इतना ज्यादा अच्छा लगा कि हम दोबारा ले रहे हैं एक एक गिलास। और लो भाई डालो डालो, वेरी गुड। लो भाई दूसरा। और सनसेट अभी होने वाला है। अभी हम खड़े हैं हाईवे पर। तो भाई वहां से ले रहे हैं पेट्रोल इंडियन ऑयल के पेट्रोल से। इसके बाद हम चल दिए थे होटल बड़ी हवेली जहाँ पे अपन ने स्विमिंग पूल को बुक किया हुआ था। माय गॉड अभी हम आए हैं भाई बड़ी हवेली, यहाँ पे अपन लेंगे स्विमिंग का आनंद लेंगे। अब लो भाई ये भी आ गए, तो गलत लोकेशन पे पहुँच गए थे। ये भाई इनका पूल है। मुझे तो यार थोड़ा पूल वैसा लग रहा है गंदा गंदा सा। ये देखो। तो गाइस अभी हम आए थे बड़ी हवेली, यहाँ पे थोड़ा पूल का हमें पानी सही नहीं लगा तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी डिनर करते हैं बाहर। अभी अपना डिनर यहाँ करेंगे अपन 3rd फ्लोर पे सिटी सेंटर मॉल में। तो यहाँ पे अपन अपना डिनर करते हैं और उसके बाद अपनी जो गाड़ी है उसको हैंड ओवर कर। चलो गाइस और गुड न्यूज़ क्या थी वो? अरे अपनी एसी सुपर क्लास 3rd AC में कन्वर्ट हो चुकी है यार। ये तो यार गजब ही हो गया, मतलब अपन ने जानबूझ के वो करा स्लीपर कि भाई स्लीपर में सफर करके देखते हैं और उन्होंने फिर से 3rd AC कर दी। तो यहाँ पे हम काफी उम्मीदों के साथ आते हैं क्योंकि रेटिंग बहुत अच्छी थी इस रेस्टोरेंट की, बट हमारे साथ यहाँ पे चोट हो जाती है। यहाँ पे हो रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन जिसकी वजह से यहाँ पे कोई आउटर बुकिंग नहीं ली जा रही थी। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉडनेस। तो ये है भाई अब्दस का ये लॉन्च, ये इसका एंबियंस है कुछ ऐसा। तो अभी हम आए यहाँ पे डिनर करने के लिए। तो गाइस मैं अभी आया हूँ उदयपुरी रेस्टोरेंट के अंदर जो कि अभी सहकारी उपभोक्ता लिमिटेड के पास में शास्त्री सर्कल पे। और यहाँ की क्रिएटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए हाथी बना रखा है इसे बर्तनों से और ये ऊंट बनाया हुआ है और वो गणपति जी भी मतलब बर्तनों से बना हुआ है। ये चीज की क्रिएटिविटी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे और ये चम्मच और प्लेटों से बनाई गई कुछ दीवार है, ये दिख रहा होगा पूरा। ये रियल मेटल की है ये भी, ये देखो
उसके अलावा बर्तनों से जैसे गिलासों से और इनसे देखो ये आदमी बनाया हुआ है और यहाँ पे औरत बनाई हुई है। अपना मसाला पापड़ तो आ चुका है जिससे अपन शुरुआत कर रहे हैं आज के डिनर की। आगे अपनी दाल, ये अपनी गार्लिक नान, चीज़ गार्लिक नान नहीं है, भट्टी का मसाला पनीर। भाई डिनर हो चुका भाई, बिल आया था अपना 1643 जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बिल 1643, ये बिल हमारा बना 1643 और हमने अभी पे किया है 1076 रुपीज़। हमारे को मतलब 400 से 500 का लगभग इतना हमारे को डिस्काउंट मिल गया स्विगी डाइनिंग की तरफ से। हाँ ये इसका बोर्ड उदयपुरी, यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। तो गाइस ये अपना बिल था 1643 और अपने पेड के हैं 1076। तो ये गाड़ी अपन ने उसी कंडीशन में वापस खड़ी कर दी यहाँ पे। जैसा आपने को बताया अपन ने वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी इनकी, और ये इन्होंने बताया था राज पैलेस इधर किराना स्टोर पे इन भैया को की हैंडओवर कर दो, तो मैंने कर दिया। तो अब इनको मेरे को पेमेंट जो है रिटर्न करना है वो करना है 750, क्योंकि मैंने 1250 किया था इंक्लूडिंग सिक्योरिटी अमाउंट। रात को 11 बजे हम पहुंच गए रे उदयपुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं उदयपुर से जयपुर के लिए अपने घर के लिए। पंकज भाई ने पूरा घुमाया आज। पंकज भाई थैंक यू भाई, ठीक है चलो मिलते हैं दोबारा जल्दी, ठीक है। और सभी के सभी थके हुए हैं, वो जा रहा है भाई पंकज भाई। भाई अपन ले रहे हैं अभी मैंगो डॉली, अपनी गाड़ी फाइनली दिखने लग गई है सामने यहाँ पे। चलो ज्यादा आवाज कर रही है